ज्येष्ठ रविवार को काले तिल और गुड़ से करें ये उपाय। क्या आप तरक्की करना चाहते हैं और जीवन में अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं? वैभव और ऐश्वर्य की कमी से क्या आप परेशान हैं और आपके परिवार के लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं? अपने जीवन में धन की बढ़ोतरी के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? तो दोस्तों, आचार्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं ज्येष्ठ रविवार के 11 काले तिल और गुड़ के उपाय, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे और आपको धन संपदा और ऐश्वर्य की कमी नहीं होने देंगे। जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आचार्य प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण के वक्ता और एक प्रकांड पंडित, ये अपनी कथाओं के दौरान अपने भक्तों को कई ऐसे खास उपाय बताते हैं जिनसे उनका कल्याण हो सकता है। तो गुरु जी कहते हैं कि रविवार का दिन सूर्य देव को अर्पित होता है, तो अगर आप इस दिन सूर्य देव की आराधना करते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है और आपके परिवार की सारी परेशानियों का अंत हो सकता है। गुरु जी कहते हैं कि रविवार को हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो सूर्य की किरणों का जो भी तेज आपके शरीर पर पड़ता है, इससे आपके बल और बुद्धि में बढ़ोतरी होती है और आपके जीवन में ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। तो अगर आप समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं और अपने परिवार में सुख शांति रखना चाहते हैं, जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो रविवार वाले दिन एक तांबे के लोटे में 11 काले तिल के दाने, एक लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और साथ में सूर्य नारायण मंत्र का जाप करें। अगर आप लगातार 11 रविवार तक इस उपाय को करेंगे तो कभी भी धन की कमी से आप परेशान नहीं रहेंगे। इसी के साथ गुरु जी कहते हैं कि रविवार वाले दिन सुबह स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डालकर स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, तो इस दिन सभी को लाल रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 11 काले तिल, थोड़ा सा गुड़ और 11 चावल के दाने लेकर आपको पास के शिव मंदिर में जाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको ये जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वह आपकी कुंडली में सूर्य के तेज को मजबूत बनाए और आपको धन वैभव और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी दे। इसके अलावा गुरुजी ने एक और उपाय बताया है कि आप रविवार के दिन सुबह नहाने के बाद बिना नमक की दो रोटी बनाकर उस पर थोड़ा सा गुड़, थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी हल्दी रखकर सूर्य देव का नाम लेकर अगर गौ माता को खिलाते हैं तो इससे भी आपके जीवन में चल रही कई सारी परेशानियों का अंत हो सकता है। अगर आपके घर में कोई इंसान बीमार है तो आप ये रोटी उस व्यक्ति से स्पर्श कराकर गाय को खिलाएं। लंबे समय से चल रही बीमारी का अंत करने का यह सबसे कारगर उपाय है। इसके अलावा अगर आप अपने घर के नजर दोष से परेशान हैं, तो 11 लाल मिर्ची लेकर उन्हें आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 11 बार उतार करके अगर आप रविवार के दिन घर के बाहर कपूर रख कर जला देते हैं तो उससे ना केवल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी बल्कि आपके घर में सूर्य देव की किरणों की तरह प्रसन्नता बनी रहेगी, घर के सभी सदस्यों में मेलजोल बना रहेगा और आपके परिवार में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए रविवार को किए जाने वाले कुछ खास उपाय। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और हमारे उपाय पसंद आए हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।